आज के वीडियो में मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी, जिसको मराठी में संभाव्यता और उर्दू में एहतमाल बोलते हैं, उसके ऊपर एक एमसीक्यू टेस्ट सॉल्व किया जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के हैं और इसको मराठी और उर्दू लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया है ताकि अदर मीडियम्स के बच्चे भी इसको अच्छे से सॉल्व कर सके। काफ़ी रिक्वेस्ट आती थी बच्चों से कि मराठी और उर्दू मीडियम के लिए कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए इसको कन्वर्ट करके काफ़ी मेहनत के बाद बनाया गया है। तो आप लोग इसको और भी फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। तो पहले हम लोग पूरा वीडियो देख लेंगे कि क्वेश्चंस के आंसर्स क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, उसके बाद में आपका जब स्टडी हो जाएगा तब आप लोग इसका लिंक पे क्लिक करके इसको सॉल्व कर सकते हो। लिंक आपको व्हाट्सएप नंबर से मिल जाएगा, आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करो, आपको इसका लिंक दिया जाएगा और 1 वीक के अंदर लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी आ जाएगा, जिसके थ्रू आप लोग लॉगिन करके इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोग लिंक पर क्लिक करने के बाद में ये आपका फर्स्ट पेज ओपन होगा, जहाँ पर आपको एक जीमेल आईडी जो आपकी है उससे लॉगिन करना होगा। यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन है और ये डेट है आज की। इसके बाद में आपको यहाँ पर ईमेल एंट्री मेंशन करना होगा। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे सैम्पल से एक आपको a@a.com आपको जो वैलिड ईमेल आईडी है वो डालना होगा, तभी वो आगे जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका नाम डालना होगा आपको, उसके बाद में स्कूल नेम जहाँ पर आप लोग जो स्कूल में हैं, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट या सिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग सोलापुर से है तो यू विल मेंशन सोलापुर ईयर। ओके, तो इस तरह से ये 3 डिटेल्स आपको भरना है, पहले ईमेल आईडी, देन फुल नेम, देन आफ्टरवर्ड्स स्कूल नेम और सिटी डिस्ट्रिक्ट आपको मेंशन कर दो। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है मराठी में और उर्दू में, उसका नाम भी दिया गया है और मैथ्स 1 का पेपर है ये, जिसको गणित बोलते हैं मराठी में और उर्दू में इसको रियाजी बोलते हैं। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर डिटेल्स प्रॉपर रही तो ही आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन है, 1 मार्क्स है, 1 पॉइंट का एक क्वेश्चन आपका। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इफ़ 1 कार्ड नंबरिंग फ्रॉम 10 to 20 सेलेक्टेड रैंडमली। तो 10 to 20 के बीच में कितने पॉसिबिलिटीज है, क्वेश्चन पर ध्यान से देखना। आपको प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा हुआ है, पॉसिबिलिटी पूछा हुआ है, तो आपको सिर्फ पॉसिबिलिटी काउंट करके लिख देना है कि इतने पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। ओके, तो 10 से 20 कितने पॉसिबिलिटी आते हैं। फॉर एग्जांपल 11 है इसका आंसर, तो आप लोग उसको 11 पे टिक कर दोगे और फिर आगे क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट, इफ 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर। जब 3 नानी एकाश वेली फेंक ली दर कितनी शक्यता है, अगर 3 सिक्के बैत वक्त फेंके जाते हैं तो कितने इम्कानात है। तो 3 कॉइन के बारे में बोला गया है कि 3 कॉइन अगर उड़ाते हैं आप लोग तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी रहती है। तो इसका आंसर 3, 6, 8 आपने जो स्टडी की हो उस पे टिक करोगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 2 डाइस आर थ्रोन राइट द नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स। मराठी में देखते हैं उसको, 2 फासे एकाच वेली टाकले असता नमूना खटका जी संख्या नंबर ऑफ एस लिया। उर्दू में 2 फासा एक ही वक्त में फेंका गया, नमूने वसात के अरकान की तादाद नंबर ऑफ एस लिखिए। तो अगर 2 डाइस थ्रोन है तो कितनी पॉसिबिलिटी है। 2 डाइस आपका इस तरह से आता है 1.1, ठीक है, 1.2, इस तरह से लास्ट में 6.6 तक। तो आपको हमने स्टडी किए रहेंगे इसका आंसर क्या है, आपको इससे आपको काउंटिंग करके फिर लिखना है। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स सही गलत बताना है आपको यहाँ पे। सैम्पल स्पेस फॉर ए डाई इज रोल ट्वाइस इज द सेम एज 2 डाइस रोल साइमल्टेनियसली। तो मराठी में देखो क्वेश्चन क्या दिया गया, 1 फासा 2 दा फेंकने कि वह 2 फासे एकाच वेली फेंकने या दोनों साठी नमूने अवकाश सारखाच असतो। और उर्दू में 1 फासा 2 दफ़ा फेंकना या 2 फासा बैत वक्त फेंकना, इन दोनों के लिए नमूने वसात एक्सा है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, सही गलत या चुकीचा है, तो अपना लिया चाहिए। नेक्स्ट, 1 डाइस रोल राइट द इवेंट सी टू गेट प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। तो यहाँ पे डाइस दिए गए आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एका फासा टाकला असता घटना सी साठी अट
वर्षा पृष्ठभावर मूल संख्या मिलने अशी आहे, तो प्राइम नंबर पूछा गया यहाँ पे जो किसी के टेबल में नहीं आते। एक फासा फेंका गया, सी ऐसा वकुआ है जिसमें ऊपरी रुकन पर आने वाले अदद मुफरद है। तो आपको ऐसे नंबर्स ढूंढना है पे जिसको प्राइम बोलते हैं, मूल संख्या बोलते हैं या मुफरद बोलते हैं उर्दू के अंदर। तो ऑप्शंस दिए गए आप लोगों, तो इवेंट सी कौन सा रहेगा वो आपको लिखना है यहाँ पर। ओके, सही आंसर चूज़ करके लिखना है। वन कॉइन एंड वन डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, राइट द कंडीशन फॉर इवेंट सी, नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर दैन 7 एंड टेल ऑन द कॉइन। तो जो अपर फेस पे नंबर है वो 7 होना चाहिए या 7 से बड़ा होना चाहिए और टेल होना चाहिए। तो ये कॉइन भी है और डाइस भी है, तो ये इस तरह शब्द है H,1, H,2 और टी है तो T,1, T,2, इस तरह से इसका सैम्पल स्पेस बनता है। तो यहाँ पे ग्रेटर दैन 7 और टेल बोला हुआ है। मराठी में इसको रीड कर लेते हैं हम लोग। एक नाने व एक फासा एकाच वेली फेंक ले, घटना सी साठी अट लिया, फाशा वाली संख्या 7 पेक्षा मोटी आणि नानियावर काटा मिलने अशी आहे। तो ये पॉसिबिलिटी कितनी आपको लिखना है उर्दू में देख लो। बैत वक्त एक सिक्का उछाला गया और एक फासा फेंका गया, सी ऐसा वकुआ है जिसमें पासा पर 7 से बड़े अदद और सिक्के पर एक पट हासिल हो। तो तीनों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है वो चूज करके लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्सुअल क्वेश्चन है। इन ए गेम ऑफ चांस स्पिनिंग एरर कम्स टू द रेस्ट एट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऑल दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द नंबर इज लेस देन 9। तो बराने दर्शवलेली संख्या 9 पेक्षा लहान असणे, 9 से कम असणं, आशारे की जरिए जाहिर किए गए अदद 9 से कम है। तो 9 से कम वाली पॉसिबिलिटी कितने हैं वो आपको लिखना है। जितने भी क्वेश्चन है सब में पॉसिबिलिटी बोला गया है, आपको सिर्फ इवेंट्स लिखना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं करना है। तो 108 एम्प्टी सेट आप लोग खुद से लिख सकते हो जो आंसर लग रहा हो। फॉर रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ अ सैम्पल स्पेस इज एस एंड ए इज एन एक्सपेक्टेड इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज पी ऑफ ए, इट इज़ गिवन बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी से फॉर्मूला का है अपना लिया जाए इकड़े, प्रोबेबिलिटी ऑफ जाप्ता लिखना है हम लोगों। वही क्वेश्चन मराठी में और उर्दू में लिखा हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नंबर ऑफ एस अपॉन नंबर ऑफ ए, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। इस क्वेश्चन में बच्चे बोर्ड में भी बहुत मिस्टेक करते हैं, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ही रॉन्ग लिखते हैं बहुत बार, फर्स्ट और लास्ट में बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। ओके, आप लोग को प्रॉपर लिखना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ड्स के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको स्टडी करना चाहिए। तो वेल शफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स में से ड्रॉन फेस कार्ड पूछा गया, क्या पूछा गया फेस कार्ड। तो पत्ता चित्रयुक्त असने और तस्वीरी पत्ता हासिल होता है। तो कितने चांसेस है तस्वीर के कार्ड आने के, फेस कार्ड आने के, चित्रयुक्त कार्ड आने के, 3, 12 या 6, कितने फेस कार्ड होते हैं उतना आपको टोटल लिखना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, हाउ मेनी पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड एस कार्ड। क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना है, सिर्फ स्पेड कार्ड नहीं लिखा हुआ है, स्पेड में से एस कार्ड लिखा हुआ है। स्पीक चा इक्का पत्ता मिलने, और उर्दू में हुकुम का पत्ते का इक्का हासिल होता है। तो हुकुम के पत्ते में से भी इक्का हासिल होता है, वो आपको ढूंढ के लिखना है यहाँ पर। ओके, तो 1, 2, 4 ऑप्शन दिया गया है। लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन है कि आपको एक क्विज कैसा लगा, तो आपको उसके हिसाब से इसको रेटिंग करना है। ठीक है, तुम्हारे उपयुक्त होता कि तुमचा उत्तर रेट करा, क्या ये क्विज़ आपके लिए मददगार था, अपना जवाब के दर्जे बंदी करें। तो अगर आपको ये क्विज़ अच्छा लगा तो आप लोग उसको रेटिंग कर सकते हो 5 तक, और हम लोग यहाँ पे एक सैंपल में सब ऑप्शन टिक कर लेते कुछ ना कुछ, ताकि आप लोग को पता चल जाए कि सबमिशन के बाद में आंसर किस तरह से दिखते हैं। सब क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, तभी ये नेक्स्ट पेज पे जाएगा ये फॉर्म। ओके, इस तरह से हम लोगों ने रैंडमली कोई भी क्वेश्चन को आंसर अटेम्प्ट कर लिए, आंसर हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे ताकि बच्चे लोग खुद से इसको ट्राई करें और उन लोगों को फिर खुद से आंसर पता चले क्या मिस्टेक्स है उन लोगों की। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में पेज नेक्स्ट पेज पर आएगा, यू हैव सक्सेसफुली अटेम्प्टेड द टेस्ट, और लास्ट में आपको स्कोर मिलेगा आपका। तो अगर आप लोग स्कोर पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर दिखा रहा है स्कोर, और आपका आंसर सही है गलत है वो मिस्टेक्स भी आपको फिर मालूम पड़ जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा पेपर है, आप लोग उसको सॉल्व करो और कमेंट में आप लोग मेंशन करो कि आप लोग इसके रेडी है, तो फिर इसका
लिंक भी आपको दे दिया जाएगा। ओके, आप लोग अपने मार्क्स जो है वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो।